नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग हर रोज टीवी पर यूट्यूब पर ये न्यूज़ तो देखते ही होंगे कि कांवड़ यात्रा इतनी तारीख से शुरू है या उतनी तारीख से शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, क्या सच में इस साल कांवड़ यात्रा होगी या नहीं होगी? आइए जानते हैं मोदी सरकार का कांवड़ यात्रा को लेकर क्या है फैसला। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहा रेड वाला आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारी वीडियो देख सकें सबसे पहले। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से हमारे देश में लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खुला है और अनलॉक 2 चालू है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सरकार के निर्देश अनुसार इस वर्ष कांवड़ यात्रा नहीं होगी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने यात्रा को आगे बढ़ाने का फैसला सामूहिक तौर पर ले लिया है। सरकार ने ये फैसला कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए लिया है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड राज्य सरकार अन्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गंगाजल भेंट करेगी, जिसके बाद इन राज्यों की सरकारें जल अभिषेक के लिए हरिद्वार से गंगाजल ले जा सकेंगी, लेकिन केवल हरिद्वार तक ही अनुमति होगी। तो दोस्तों, आप सभी को ये पता चल ही गया होगा कि सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए साफ साफ मना कर दिया है। और आए दिन ये न्यूज़ जो आप लोग देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा इस दिन होगी या उस दिन होगी, ये सब झूठ है। दरअसल इस वर्ष कांवड़ यात्रा नहीं होगी। मोदी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के अकॉर्डिंग इस साल कांवड़ यात्रा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे जिन लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि कांवड़ यात्रा होगी या नहीं होगी, उनका ये सवाल